मैं बहुत परेशान था। मुझे राइड के बाद अपने सैडल बैग्स खुद ही उठाने पड़ते थे। पहले तो राइड्स की थकान, फिर ये भारी सामान। 15-20 केजी के सैडल बैग से उठा के मेरी बाजू में दर्द करने लग गई थी। पर अब ऐसा और नहीं, मुझे मिला ये चमत्कारी प्रोडक्ट जिसके बाद से मेरी जिंदगी एकदम आसान हो गई। अब मेरी जिंदगी में वापस खुशियां लौट आई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रतीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी चमत्कारी प्रोडक्ट के बारे में, पर उसके पहले दो इम्पोर्टेंट चीजें। फर्स्ट, कोविड चल रहा है, बाहर सिचुएशन बहुत खराब है, बैंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो जब तक नेसेसिटी नहीं है, प्लीज डोंट स्टेप आउट ऑफ योर होम्स और कोई भी ट्रैवल प्लान इस टाइम पर मत बनाइए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं, उसके बाद फिर आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं, लैब्स में टेस्ट ऑलरेडी नहीं हो पा रहे हैं, अननेसेसरीली सिस्टम पे प्रेशर आ रहा है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, कोविड चल रहा है, जब तक कुछ ठीक नहीं होता तब तक कोई ट्रैवल प्लान्स मत बनाइए। सेकंड थिंग, मैं नॉर्थ ईस्ट की 40 डेज की राइड करके आया हूँ और मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, इस वीकेंड से नॉर्थ ईस्ट के ब्लॉग्स आएंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय माय ब्लॉग्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस सैडल बैग के बारे में। सो दिस इज द लेटेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सोलेस, सैडल बैग विद ट्रॉली, जैसा आप लोगों को टाइटल से समझ में आ ही गया होगा। 5 साल से मैं राइड कर रहा हूँ भारी भारी सैडल बैग के साथ में, लद्दाख, K2 का सब कुछ किया था, और हर बार क्या होता था कि आपको सैडल बैग बाइक से उतारना है, उसके बाद फिर कम से कम 20-25 किलो के सैडल बैग ही होते हैं, उसको लेके आपको कैंप साइट जाना है या फिर होटल जाना है, और उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो जब ये प्रोडक्ट एक्चुअली लॉन्च हुआ तो मैं था अरुणाचल में, और जब मैंने देखा कि यार ऐसा कुछ लॉन्च हो गया है, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि यार कैसे पॉसिबल है कि आपने सैडल बैग और ट्रॉली दोनों जगह कंबाइन करके एक बैग बना दिया है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, और मेरे को था कि मैं जल्दी से इस बैग को देखूं। जब मैं लखनऊ पहुंचा होली के पहले, तब मुझे ये बैग्स एक्चुअली सोलेस ने भेजे थे। सो दिस इज नॉट द अनबॉक्सिंग वीडियो। जब ये बैग मेरे पास पहुंचे, मैंने इसको अनबॉक्स किया लखनऊ में, उसके बाद फिर मैंने इसको करीब ही तो 2 से 3 वीक्स यूज़ किया है, जिसमें से एक मेरी XBHP की राइड, दूसरा जब मैं लखनऊ से बैंगलोर आया हूँ। तो इस बैग को मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा था एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे टैग लगी हुई है एयर एशिया के, इंडिगो के, मैं इसको एज अ ट्रॉली बैग यूज़ कर रहा था। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हैव 3 सेक्शंस। फर्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली बैग में क्या कैपेसिटी है, क्या क्या फीचर्स है, कितनी पॉकेट्स है। सेकंड सेक्शन में दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली ट्रॉली इसको कैसे बनाना है, और उसके बाद फिर कैसे हम लोग इसको बाइक पर माउंट करेंगे। थर्ड सेक्शन में हाउ यूजफुल इज दिस बैग फॉर योर राइड, और नॉर्मल सैडल बैग से ही कैसे डिफरेंट। सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स, रेक्टेंगुलर शेप है बाइक बैग की, अच्छा कॉम्पैक्ट साइज है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज है। ये पोर्शन है जो आपके बाइक पर जब बैग देगा तो बाहर की तरफ आएगा। ये जो मैकेनिज्म दिख रहा है, जो इसको ट्रॉली बनाने का मैकेनिज्म है, यहाँ पर पीछे जो पूरा रबराइज पैनल है, ये पोर्शन जो है ये आपका बाइक पर अंदर की तरफ रहता है, और इस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, यहाँ स्लश में राइड करते तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो यू कैन एक्चुअली वाइप दिस ऑफ विद अ क्लोथ। तो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है और रबर पैनल है, ये क्लोथ मटेरियल नहीं है, रिमेंबर दिस। ये है दूसरा ट्रॉली का मैकेनिज्म, जो जहाँ से इसको लॉक करेंगे हम लोग, यहाँ नीचे व्हील दिख रहा है, उसके बाद फिर ये दिख रही है इसमें ट्रॉली। तो ये ट्रॉली हैंडल जो है ये सिर्फ एक ही साइड पर है। अब ये कैसे काम करेगा वो मैं आपको सेकंड पोर्शन में दिखाऊंगा इस वीडियो के। दूसरे पैक में यहाँ पर एक एडिशनल पॉकेट है जो कि बॉटल के लिए काम आ जाएगी, सेम पॉकेट जो साइड जिपर पॉकेट उसमें थी वो इसमें भी है। ये है एक्चुअली रेन कवर्स जो बैग के साथ में आते हैं, अच्छे खासे बड़े साइज के रिफ्लेक्टिव रेन कवर्स है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लाइनिंग है जिप के ऊपर, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिव लोगो है जो सोलेस का लगा हुआ है। तो ये आपका पीछे की तरफ आएगा बैक पैक। लेट्स टॉक अबाउट क्या कैपेसिटी है और क्या पॉकेट्स है इसकी। तो एक पॉकेट ये दिख रही है बाहर, साइड पॉकेट है, अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है, इसमें आप अपने टॉयलेटरीज, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी रख सकते हो। इसमें रेन कवर रखा हुआ था वैसे एक्चुअली बैग का, और उसके बाद है मेन पॉकेट बैग की जो कि है ये। अब ये कितना सामान होल्ड कर सकती है ये मैं दिखा दूंगा आप लोग को बाद में। उसके अलावा बैग में अंदर एक और पॉकेट है जिसमें आपको कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं तो वो रख सकते हैं। साइड में यहाँ पर जो बैक साइड थी यहाँ पर ये पॉकेट है, तो ये पॉकेट में एक्चुअली बेल्ट है जिससे हम लोग बाइक पे बैग को स्ट्रैप माउंट करेंगे, तो वो पॉकेट है। उसके ऊपर आपको अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट सामान रखना है छुपा के तो यहाँ पर रख सकते हो। ये यहाँ पर एक हैंडल है पकड़ने के लिए। इफ आई टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द बैग, तो ये 27 लीटर्स है जब एक्सपैंड नहीं किया हुआ है, और एक्सपैंड अगर इसको हम कर देंगे तो 35 लीटर्स है। तो दो बैग्स की कैपेसिटी मिला के 70 लीटर्स मैक्सिमम कैपेसिटी है। 70 लीटर्स में आपको बता देता हूँ कि एक अच्छा खासा जो बड़ा रक्सैक बैग आता है जो ट्रैकर्स वगैरह मोस्टली ट्रैवलर्स वगैरह कैरी करते हैं, उतनी कैपेसिटी हो गई। तो बैग की कैपेसिटी है 27 लीटर्स जो मैंने बताया, पर ऐसे समझ में नहीं आता कि 27 लीटर्स कितना है, 35 लीटर्स एक्सपेंडेबल होकर कितना हो जाएगा। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर कुछ सामान पैक करके आपको दिखाता हूँ, जिसमें मेरा एक टॉवल, एक लोअर, एक कार्गो, दो जीन्स,
10-12 टी-शर्ट्स, एक शर्ट, एक जैकेट, एक पफर जैकेट, एक ब्लैंकेट, एक DSLR। तो ये सारा सामान मैं आपको दिखाता हूँ, रखिए अभी इसमें कितने कंफर्टेबली आ जाएगा। कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा हूं इसकी बैग की मैं, क्योंकि अभी आप लोग को इतना सारा सामान मैं एक ही बैग में रख के दिखा रहा हूं। तो वापस ट्राई कर सकते हैं, बंद करते हैं। दिस इज डन। तो ये इतना सारा सामान मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बैग में पैक कर दिया है, दूसरा जो पोर्शन है अभी वो एकदम खाली रखा हुआ है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैपेसिटी अच्छी खासी है, 27-35 लीटर्स कैपेसिटी जो है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जितना सामान मैंने रखा है, एक्चुअली मैं इससे थोड़ा कम ही सामान कैरी करता हूँ महीने भर की राइड के लिए, क्योंकि मेरा सामान भी होता है, शिकागो सामान भी होता है, उसके बाद फिर बाइक की एक्सेसरीज भी होती है, पंचर किट वगैरह भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें और कैरी करनी होती हैं। 15-20 दिन की, एक महीने की राइड के लिए आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सारा सामान इस बैग में कैरी कर सकते हो। पर जो ट्रॉली हैंडल है वो सिर्फ इसी साइड पर है, इस पर नहीं है। तो लेट मी शो यू कि अब हम इस सैडल बैग को कैसे ट्रॉली बैग बना सकते हैं। तो ये दो इंडिविजुअल बैग्स हैं, अभी इसको ट्रॉली बनाने के लिए एक्चुअली हमें दोनों बैग्स को अटैच करना होगा। तो चारों तरफ से इसमें मैकेनिज्म है उसको टाइट करने का, फास्टनिंग करने का, तो थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो पहले दोनों बैग्स को बांध लिया, ये वेलक्रो पैनल है, इस वेलक्रो पैनल को हमने यहाँ से इस बैग से निकाला, वापस निकाला और यहाँ पर लगा दिया। It hardly takes 1-1.5 minutes to convert it from trolley to saddle or saddle to trolley. ये हमारा हो गया टॉप रेडी। उसके बाद साइड में यहाँ पर लॉक है, ये लॉक लगा दिया, तो ये साइड रेडी हो गई। सेम यहाँ पर हुक है, ये यहाँ से लग गया। तो अब बैग तीन तरफ से पूरा अटैच हो चुका है, ये हो गया यहाँ से अटैच, ये हो गया यहाँ से अटैच, और ऊपर से मैंने दिखाया आप लोग। ओके, नाउ द फोर्थ साइड, जो कि बॉटम से इसको हमें अटैच करना होगा। तो ये रहा एक और वेलक्रो पैनल, जिसको यहाँ से निकाला और ये यहाँ पर अटैच कर दिया। तो यहाँ पर एक छोटी सी जिप है जिसके अंदर है ट्रॉली का हैंडल। तो अब ये बैग कन्वर्ट हो चुका है ट्रॉली में, आराम से इसको लेके कहीं भी जा सकते हो आप। अभी चलते हैं नीचे, बाइक पर दिखाता हूँ इसको लोड करके। तो अभी हम लोग को पहले इस बैग को ट्रॉली से वापस सैडल बैग बनाना होगा बाइक पर लोड करने के लिए। तो जैसे हम लोगों ने चार स्टेप्स में इसको अटैच किया था, वैसे ही इसको डिटैच करेंगे और बाइक पर सैडल से लगा हुआ है इस पर माउंट कर देंगे। बाइक पे धूल बहुत ज़्यादा है, पिछले 15 दिन से हम लोग कहीं भी नहीं निकले एक्चुअली। तो ये वेलक्रो बेल्ट है जिससे आपका बैग सेट रहता है पूरा, उसके अलावा ये हुक्स और है जो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। वैसे तो वेलक्रो से बैग आपका स्टेबल रहता है, पर हुक्स गिव यू एडिशनल सपोर्ट। बैग की शेप है रेक्टेंगुलर, मेरी बाइक का एग्जॉस्ट है इंक्लाइन, पर सैडल स्टे लगा हुआ है तो कहीं पर भी बैग आपका एग्जॉस्ट से टच नहीं होता है। ये चार कॉर्नर पर बेल्ट्स हैं जो कि आप यहाँ से किसी भी पार्ट में, फुटरेस में, कहीं से भी वापस ले जाके यहाँ पे जो हुक है बेल्ट को उसमें आप माउंट कर सकते हो। तो अभी R15 बगल में खड़ी हुई है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दूसरी बाइक से फिटिंग कैसी है, तो एक बार इसको R15 पर रख के भी देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है। तो R15 पर ये ऐसा आएगा, तो अगर एग्जॉस्ट के पास में देखें तो जब बैक की हाइट कम है और लेंथ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये एग्जॉस्ट, इंक्लाइन एग्जॉस्ट वाली बाइक्स पर भी एग्जॉस्ट के पास में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़, मैंने अपनी R15 पर यहाँ पर ये फुटरेस्ट लगवा रखा था ऐसे, जिससे कि एक्चुअली सैडल बैग आपका एग्जॉस्ट से टच नहीं हो। ये काफ़ी काम आया था मेरे, चीज़ थी एक छोटा सा जुगाड़ है जो आप लोग कर सकते हो सैडल बैग एग्जॉस्ट से टच नहीं हो उसके लिए। तो भैया यहाँ पर कहीं से भी टच नहीं हो रहा है, कहीं से भी टायर में टच नहीं होगा, एग्जॉस्ट में टच नहीं होगा,
और जो इसके चारों कॉर्नर्स में स्ट्रैप्स थे वो स्ट्रैप्स आपके R15 टाइप बाइक पे काफ़ी काम आएंगे, जहाँ पे सैडल स्टे का सपोर्ट नहीं है, तो वो स्ट्रैप्स आप फुटरेस्ट वगैरह से या जो भी फ्रेम है उससे आप लाके स्ट्रैप से एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सकते हो। तो R15 और GS जिनके बहुत ही इंक्लाइंड एग्जॉस्ट है उन दोनों बाइक्स पर भी आराम से आ जा रहा है, एक पे सैडल स्टे था एक पे सैडल स्टे नहीं था, तो मेरे ख्याल से सारी बाइक्स पे कंफर्टेबल फिट होना चाहिए। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप खरीदो तो एक बार ट्राई करके ही खरीदो। तो दिस इज वन वेरी गुड इनोवेशन बाय सोलेस, और जब ऐसा कुछ आ जाता है तो आप सोचते हो कि यार ऐसा कुछ किसने पहले सोचा क्यों नहीं। एक्चुअली हम लोग साइकिल बाइक्स ले लेके पूरे टाइम धोके घूमते रहते थे, लद्दाख स्पीति सब जगह बहुत बुरा हाल हो जाता था। इन सब सिनेरियोस में ये बैग बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आप कभी भी लंबी राइड्स कर रहे हो तो पहली चीज कैंप साइट्स पे जाने के लिए, होटल्स में जाने के लिए, होटल की लॉबी वगैरह में कैरी करने के लिए, पार्किंग से लेके बहुत बार आपको हेल्पर नहीं होता, और मैं पर्सनली कोई हेल्प लेता भी नहीं हूँ, अपना लगेज खुद कैरी करता हूँ। तो उस टाइम पे आप आराम से बैग को बस साइड लिस्ट से उतारो, उसको ट्रॉली में कन्वर्ट करो और प्यार से होटल में लेके जाओ, कोई इशू नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो जहां पर ये बैग एक्चुअली काफी ज्यादा यूजफुल होगा, जब भी आप लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हो तो बहुत सारे लोग फ्लाइट्स लेते हैं, जैसे मैं खुद लद्दाख के लिए फ्लाइट लेता था, तो होता है कि आप सामान कैसे भेजो, तो या तो आप सामान ट्रांसपोर्ट में बाइक के साथ में भेजो अगर आप बाइक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो, और अदरवाइज खुद कैरी करो। तो खुद कैरी अगर सामान कर रहे हैं तो मुझे लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट लेनी है, एयरपोर्ट्स वगैरह पर मैं इसको आराम से बैग को यूज करूंगा, दिल्ली में लैंड करके इसको आराम से मैं एयरपोर्ट पे यूज करके बाहर कहीं भी लेके आ सकता हूँ जहां पे मेरी बाइक है, बाइक पर सीधे लोड करो एंड डायरेक्टली यू कैन राइड। उसके अलावा ट्रेन से अगर आप बाइक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रेन में एज अ लगेज आपको कैरी कर रहे हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा काम आएगा, आप आराम से एज अ ट्रॉली आराम से यूज करते हो। जब तक आपको बाइक पर इसको माउंट नहीं कर रहे हैं तब तक आप इसको आराम से रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, होटल्स में, कहीं पर भी एज अ ट्रॉली यूज करो। तो जितने भी लोग लद्दाख, स्पीति, नॉर्थ ईस्ट ये सब कुछ बड़ी राइड्स प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये बैग होने वाला है नेक्स्ट गो टू सैडल बैग। तो काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है सोलेस ने, वन वेरी गुड इनोवेशन एक्चुअली। और एक्चुअली ये बहुत सारे राइडर्स की जो लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा बैग। तो आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, मैंने दो बार एयरपोर्ट्स पे और नॉर्मल ट्रैवल के लिए यूज किया है, और आई कैंट वेट कि सब कुछ सिचुएशन बाहर सही हो और मैं इस बैग को एक्चुअली नेक्स्ट लद्दाख ट्रिप पे या स्पीति राइड पे लेके जाऊँ। तो थैंक यू सोलेस फॉर दिस ब्यूटीफुल बैग, फॉर दिस ब्रिलियंट इनोवेशन। तो ये बैग की कॉस्ट है एक्चुअली 599,000 रुपीज का ये बैग है, बट बिलीव मी दिस इज डेफिनेटली वर्थ इट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक है, यू कैन गेट इन टच विद सोलेस मोटरसाइकिल क्लोथिंग ऑन इंस्टाग्राम या फिर सोलेस मोटरसाइकिल क्लोथिंग गूगल पर सर्च करो, वेबसाइट पर जाओ, बैग सर्च करो, यू कैन डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर फ्रॉम देयर एज वेल। और अगर आप उनसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर रहे हो या बैंगलोर में जाके खरीद रहे हो तो गिव माई रेफरेंस फॉर डिस्काउंट, शायद थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। एंड स्टे ट्यून्ड, नॉर्थ ईस्ट के ब्लॉग्स अभी आने वाले हैं और नॉर्थ ईस्ट के ब्लॉग्स में मैं काफी चीजें नई ट्राई कर रहा हूँ, so stay tuned for all these vlogs. So that's it from this video, hope you guys enjoyed the video. If you did, do like it, comment karna kaisa laga and share zarur karna, this bag needs to reach more and more riders. I'll see you in the next vlog, till then the road ahead is long and that's where you belong, keep riding, bye bye, love you all, don't forget to hit that subscribe button.